गीली हो रही है चीनी तो डिब्बे में डालें ये पांच चीजें। मानसून में कुछ मसाले नमी के कारण इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह चीनी भी डिब्बे में चिपकने लगती है और गीली हो जाती है। आइए आपको बताएं कि आप चीनी के डिब्बे में किन पांच चीज़ों को डालकर यह समस्या दूर कर सकते हैं। रसोई में चीनी को इकट्ठा करके उसमें नमी और गाँठे होने से ज़्यादा निराशा की कोई बात नहीं है। चीनी के डिब्बे में ज़्यादा नमी होने से चीनी की बनावट खराब हो सकती है और उसे मेज़र करना मुश्किल हो सकता है। मानसून में ऐसा होना आम बात है, लेकिन चीनी में जब चींटियाँ लगती हैं तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। कई लोग चीनी को सूखा रखने के लिए चावल या नमक डालने जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम आपके लिए ऐसे ट्रिक्स लाए हैं जिनकी मदद से आप खराब चीनी को बचा सकते हैं। आपकी चीनी बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। पहला, नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ अपने प्राकृतिक एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुणों के लिए जानी जाती हैं। अपने चीनी के डिब्बे में कुछ सूखे नीम के पत्ते रखने से नमी को अवशोषित करने और फफूंद या बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद मिल सकती है। नीम एक प्राकृतिक शोषक है, जिसका अर्थ है कि यह चीनी से नमी को दूर रखता है, जिससे यह ड्राई रहेगी और चींटियां भी नहीं लगेंगी। क्या करें? डिब्बे में चीनी के ऊपर 5 से 6 सूखे नीम के पत्ते रखें। इतना ध्यान रखें कि ये पत्ते भी एकदम सूखे हों, तभी यह चीनी की नमी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हर 10 दिन में पत्तियों को बदलते रहें। दूसरा, ड्राइड स्ट्रेस को छिलके। आप इसके लिए संतरे या नींबू के छिलके ले सकते हैं। चीनी को ड्राई रखने के लिए यह एक शानदार प्राकृतिक विकल्प है। यह न सिर्फ चीनी की नमी को दूर करेंगे, बल्कि खट्टी गंध से कीड़े भी नहीं लगेंगे। क्या करें? एक संतरे या नींबू को छीलें और छिलकों को पूरी तरह से सूखने दें। एक बार जब वे सूख जाएं तो छिलके थोड़ा छोटे छोटे करके चीनी के डिब्बों में रख दें। छिलकों को समय समय पर जांचें और जब वे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएं या उनकी गंध खत्म हो जाए तो उन्हें बदल दें। तीसरा, चारकोल। चारकोल एक शक्तिशाली नमी अवशोषक है और इसका उपयोग अक्सर लोग करते रहते हैं। एक्टिव चारकोल खासतौर से नमी और गंध को दूर करने में बहुत ही प्रभावी होता है। हालांकि चीनी के डिब्बे में इसका उपयोग करना असामान्य लग सकता है, लेकिन फूड ग्रेड एक्टिव चारकोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है। यह चीनी को नम होने से रोकने में अद्भुत काम कर सकता है। क्या करें? फूड ग्रेड एक्टिव चारकोल का एक छोटा टुकड़ा ब्रेडबल पैकेट या पन्नी में रखें। आप इसे चीज क्लॉथ में भी लपेटकर रख सकते हैं, फिर इसे चीनी के डिब्बे में रखें। चारकोल चीनी के सीधे संपर्क में आए बिना नमी को अवशोषित कर लेगा। इसे प्रभावी बनाए रखने के लिए हर कुछ महीनों में चारकोल को बदलते रहें। चौथा, चावल के दाने। चीनी को ड्राई रखने के लिए चावल सबसे लोकप्रिय विधियों में से एक है। चावल बढ़िया एब्जॉर्बर होता है और चीनी से नमी को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि चावल चीनी के स्वाद या बनावट को बिल्कुल भी नहीं बदलता है। क्या करें? एक छोटे से चीज क्लॉथ में कच्चे चावल को रखकर पोटली बना लें और इसे चीनी के डिब्बे में रखें। आप चीनी में चावल एक छोटा चम्मच चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़रूरत पड़ने पर आपको चीनी से अलग करना पड़ेगा। चावल की पोटली को 20 से 25 दिनों में बदलते रहें। पांचवा,
नमक, नमक एक और आम घरेलू नुस्खा है जो चीनी को ड्राई रखने में बहुत मदद कर सकता है। चावल की तरह नमक में भी नमी को सोखने के बेहतरीन गुण होते हैं और चीनी के साथ इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित होता है। बस इतना ध्यान रखें कि नमक को चीनी से अलग रखा जाए ताकि इसका स्वाद ना बदले। क्या करें, एक छोटे कपड़े के बैग या चीज़ क्लॉथ में नमक भरें और इसे चीनी के डिब्बों में रख दें। आप डिब्बे के अंदर रखे गए छोटे नमक के शेकर का भी उपयोग कर सकते हैं। नमक को तब बदलें जब यह बिल्कुल नम हो जाए। अगर आप भी अपने घर के स्पाइसेस या अन्य सामग्री को ड्राई रखने के लिए ट्रिक्स आजमाते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह हैक्स पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ये हैक्स आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल रहे हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके आगे बढ़ने में। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं किसी नए टिप्स के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।